क्या आपको भी मेरी तो ऑनलाइन गवर्नमेंट वेबसाइट पे टाइपिंग का काम करके, ट्रांसलेशन का काम करके, कंटेंट राइटिंग का काम करके हर महीने 20 से 25 हजार रुपए तक कमाना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अंकित झा। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन टाइपिंग करके, ट्रांसलेशन का काम करके, कंटेंट राइटिंग का काम करके हर महीने 20 से 25 हजार रुपए तक बहुत ही आसानी से कमा सकते हो। आज जो मैं आप लोगों के लिए वेबसाइट लेकर आया हूं, काफी ज्यादा रियल वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है भाई, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। सोच लो कैसी वेबसाइट होगी, काफी ज्यादा अच्छी वेबसाइट है। अगर आपको स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग पर्सनालिटी हो, आपको ऑनलाइन पैसे कमाना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन टाइपिंग करके, ट्रांसक्रिप्शन का काम करके, ट्रांसलेशन का काम करके पैसे कमाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। जो लोग अपने फोन से कर रहे हैं वो लोग अपना क्रोम ऐप खोल लो। मैं लैपटॉप पे इसलिए दिखाऊं, लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी हो तो सब कुछ बड़ा दिखे, अच्छे समझ आएगा। तो हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे जाकर यहाँ पे हम सर्च करेंगे रेस्पिन IISc, रेस्पिन IISc भाई काफी ज्यादा रियल वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही प्रूफ दूं, गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, कैसी वेबसाइट होगी आप लोग सोच लो। यहाँ पे आपको टाइपिंग करना है, ट्रांसलेशन करना। बहुत लोगों के माइंड में ना क्वेश्चन आएगा कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पता है कितनी बड़ी संस्था है, हम जैसे लोगों को काम क्यों देगा। देगा भी, तो बहुत ज्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। अब मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग को हिंदी आनी चाहिए, और आपको क्या चाहिए। हाँ, और इससे भी जरूरी बात, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, वर्क फ्रॉम होम है, काफी ज्यादा सही है। देखो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस काफी बड़ी संस्था है भाई साहब। तो हम चलते हैं रेस्पिन IISc पे। रेस्पिन IISc पे जाने का, देखो आपको हर टाइप का काम मिलेगा यहाँ पे, कंटेंट राइटिंग का काम मिलेगा। देखो क्या स्पेस रिकॉर्डाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंशियल फॉर पुअर इंडिया, ये सब ऐसे ही है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बेसिकली आपको इन 9 लैंग्वेजेस में प्रोजेक्ट मिलेंगे, किस किस में, हिंदी में, बंगाली में, मराठी, तेलुगु, भोजपुरी, कनाडा, मगाई, छत्तीसगढ़ी, मैथिली। तो इनमें से आपको हिंदी तो देखो सबको आती होगी, मुझे जैसे हिंदी आती है, मैथिली आती है, मैं बिहार का हूं, जिनको बंगाली आती है, मतलब एक तो देखो हिंदी सबको आती है तो हम सब काम कर सकते हैं। बाकी ये सब भी आती है तो और अच्छी बात है, और ज्यादा आप लोगों को काम मिलेगा। हाँ, इसका रेस्पिन की वीडियो ये सब तो ऐसे ही छोड़ो, इसका गैलरी ये सब है। अब आपको काम क्या करना है, देखो ये सब ओपनिंग जॉब है, व्यू ऑल में चलते देखो कितनी सारी जॉब है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रांसलेशन, कंटेंट राइट, लैंग्वेज एक्सपर्टी, सेंटेंस कंपोजिशन। तो जैसे मानो हमें ट्रांसक्रिप्शन का काम करना है, तो हम चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे। ट्रांसक्रिप्शन के काम में क्या है, देखो हमें कैसे अप्लाई करना है, स्पीच रिकॉग्निशन है, एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। तो देखो क्या है ना, ये जॉब प्रोफाइल आपकी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन आपका काम करना है आपको। हाँ, आपको स्किल क्या क्या, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्किल, मतलब बेसिक कंप्यूटर तो यार सबको आता ही है, नहीं भी आता तो 5 मतलब 1 घंटे में आप बैठ के यूट्यूब से सीख लो। टाइपिंग स्किल होनी चाहिए आपकी, टाइपिंग ठीक ठाक होनी चाहिए, ज्यादा तेज भी नहीं, ज्यादा कम भी नहीं, नॉर्मल टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज, आप लोगों को नेटिव लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, हिंदी या इन सब में से जो और भी जो लैंग्वेज है ना, मराठी, मैथिली, बंगाली, वो सब आनी चाहिए। हाँ, इसके बाद क्या, हैविंग अ डिग्री ऑफ नेटिव लैंग्वेज, आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, मतलब बैचलर्स की डिग्री, 10th 12th की डिग्री तो होगी यार। इसके बाद आपके पास मस्ट हैव देयर लैपटॉप और डेस्कटॉप होना चाहिए, ये काम ना बेसिकली फोन से होगा नहीं, आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, और आपका फोन जिनके पास है वो फोन से भी कर सकते हैं। हाँ, तो आप में दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, तो लैपटॉप डेस्कटॉप होना चाहिए, तो एंड्रॉइड स्मार्टफोन होना चाहिए, अब आपकी मर्जी, आप जिससे काम करना चाहो। इसके बाद क्या, देखो मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ गूगल डॉक्स, शीट्स, गूगल गूगल डॉक्स क्या ना, मतलब आपके पास इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, गूगल डॉक्यूमेंट, ये सब बहुत आसान है चलाना, मतलब कुछ है ही नहीं वैसे सीखने की जरूरत नहीं, पर जिनको सीखना है तो यूट्यूब पर जाओ, 10 मिनट में आप सीख लोगे यार गूगल डॉक। हाँ, मतलब कुछ नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड सबकी तरह गूगल डॉक भी, ब्लैंक पे जा गया बस में टाइप करना है, बस ये कुछ टूल्स देते हैं जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, समझे। देखो ऊपर टूल है ना, ये सब टूल थोड़े हेल्पफुल होते हैं, इसलिए गूगल डॉक, तो आप सीख लोगे 10 मिनट में यूट्यूब पे जाके। हाँ, इसके बाद क्या, इसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो सब तो होती है यार। इसके बाद क्या, लोकेशन क्या, वर्क फ्रॉम होम है, आप घर पे बैठे बैठे कहीं भी बैठ के आप काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम है। और क्या चाहिए आपको, देखो अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी ये काम कर सकते हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस कोई भी ये काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैसी है पता नहीं है, हमेशा हमारा भला ही सोचती है ना, तो ये नहीं सोचती कि 10वीं 12वीं वाला नहीं करेगा, सिर्फ ग्रेजुएट करेगा, नहीं, जिसको करना है करो। बेसिक क्या,
टाइम मतलब हर 20 मिनट काम करने का आपको 500 रुपए मिलेंगे, आपने एक घंटा भी काम किया तो आप लोग एट द प्रो रेट बेसिस, मतलब प्रो मानो आप लोग प्रो नहीं हो तो आपको हर एक घंटे का 500 मिलेगा, मानो आप प्रो नहीं हो मैंने माना चलो, तो आप लोग मतलब 3 घंटा भी काम करोगे 1500 कमा लोगे महीने के 50,000 रुपए। और क्या चाहिए आपको बताओ, जॉब डिस्क्रिप्शन का सेट ऑफ टॉपिक ये सब ऐसे ही है, फ्रेंड रिलेटिव यही सब जॉब के डिस्क्रिप्शन है। आपको अप्लाई कैसे करना है, देखो क्लिक हेयर टू अप्लाई पे आपको जाना है। अप्लाई पे जाने के बाद यहाँ पे ना कुछ गूगल डॉक्यूमेंट खुलेगा, मतलब नहीं देखो इधर खुल गया गूगल, ये क्या होता है इसको क्या बोलते हैं यार, गूगल डॉक खुल गया। इसके बाद आपको आपके ईमेल डालना है तो मैं डाल देता हूँ स्किल फ्लैश एजुकेशन, ये वाली मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ कॉपी। इसके बाद एक मिनट स्किल फ्लैश एजुकेशन में इसको अपनी ईमेल डाल के वो ईमेल डालना है जो एक्टिव हो, क्योंकि आपकी ईमेल पे ना मेल आएगा कि भैया ये काम है ये काम आपको करना है, तो एक्टिव रहना है एकदम। हाँ इसके देखो रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन जॉब है, हाँ तो आप ये दोनों ही जॉब कर लोगे। रिकॉर्डिंग मतलब आपको आपके ऑडियो देनी है, ट्रांसक्रिप्शन जॉब ये सब ओपनिंग है। देखो आपको आपका फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, जरूरी बात कॉन्टेक्ट नंबर, वो कॉन्टेक्ट नंबर डालना जो मतलब जिस पर आपके ऑन हो ये नंबर, ये नहीं कि आपका ये नंबर ऑफ हो, ये लोग आपको फोन करें मैसेज को आप लोग रिप्लाई ना दे पाओ। हाँ तो कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग अच्छा सा डालना, जो कॉन्टेक्ट नंबर एक्टिव हो वही वाला डालना, इनएक्टिव मत डालना। एड्रेस आप अपना डालना, नेटिव प्लेस डिस्ट्रिक्ट आप डाल देना, पिन कोड डाल देना नेटिव प्लेस के साथ, कितने सालों से आप उस जगह पे आते हो वो डाल देना। भाई गवर्नमेंट का पता नहीं हर इंक्वायरी चाहिए होते छोटी छोटी बातों क्लिक, अभी आप कहाँ पे आते हो अगर सेम जगह पे आते हो सेम नाम लिख दो, सेम पिन कोड डाल दो, सेम ही जगह पे आते हो कितने सालों से आते हो लिख देना, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या, जैसे मेरी है मैथिली और हिंदी, हाँ तो मैं एक हिंदी कह देता हूँ चलो। डेजिग्नेशन पद, आप कहीं काम करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ क्या काम करते हो, आप अपनी सीवी डाल देना, सीवी बनाने के लिए बेसिकली ना इधर आप अपना सीवी लिख देना, पैन कार्ड नंबर डाल देना यहाँ पे आप अपना, बाकी ये सब आप पढ़ लेना जहां जो डालना हो। इसके बाद आप सबमिट कर देना, सबमिट करने का होगा क्या ना, जब आपने सबमिट कर दिया तो आपके मेल पे ना एक मेल आएगा, मेल क्या आएगा बेसिकली, मेल ये आएगा आपने मानो अगर कोई गलत बात डाल दी होगी, मतलब कोई गलत जगह मतलब गलत क्या माने आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल दी होगी तो यहाँ पे आपने रिजेक्ट कर देंगे और आपका अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने का देखो गवर्नमेंट की चीज है तो 15 दिन से 1 महीना भी लग सकता है काम मिलने में, तो मुझे गाली मत देना कि भाई आपने ऐसा बताया काम नहीं मिला ये वो, मेरा काम है रियल वेबसाइट्स को आप लोगों के सामने लाना, तो मैं रियल वेबसाइट लेकर, भाई गवर्नमेंट की वेबसाइट है इसमें मैं आपको क्या फेक बताऊंगा बताओ। अगर इस वेबसाइट के नीचे भी आप लोग गाली दोगे कि भैया काम नहीं मिल रहा तो ये तो आपकी बेवकूफी होगी ना, गवर्नमेंट की वेबसाइट बता रहा हूँ काम उस पर भी आप लोग गाली दोगे कि बेकार। देखो इधर जैसे मानो आपको सेंटेंस ट्रांसलेशन का काम करना है जो कोई भी कर सकता है गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से, गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से पैराफ्रेसिंग टूल का फेस कार्ड में हर वीडियो में आपको बताता हूँ। इसके बाद जो भी ट्रांसलेट हो इसका आप क्या करना, पैराफ्रेसिंग टूल का यूज कर लेना, या पैराफ्रेसिंग टूल इसका जो भी पैराफ्रेसिंग टूल पे है उसका आप क्या करना, गूगल ग्रामरली का यूज करना, सॉरी ग्रामरली का आप यूज कर लेना। ग्रामरली देखो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कैसे आपको ट्रांसलेट करना है बिना कुछ मेहनत किए, तो देखो आप इन तीनों टूल का यूज करना, अच्छा खासा आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। हाँ तो सेंटेंस में ट्रांसलेशन में क्या, जॉब प्रोफाइल का सेंटेंस ट्रांसलेशन योर लोकल डायलेक्ट, कहाँ लोकल लैंग्वेज में, आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज टाइपिंग स्किल होनी चाहिए, बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए इंग्लिश हिंदी मराठी गुजराती कन्नड़ मैथिली भोजपुरी, हाँ इसका डिग्री होनी चाहिए नेटिव लैंग्वेज में, प्लस जो मैंने पहले बताया आपका लैपटॉप डेस्कटॉप होना चाहिए, इसमें आपको लैपटॉप डेस्कटॉप होना ही चाहिए, ये काम आप फोन से नहीं कर सकते, तो सॉरी जिनका लैपटॉप डेस्कटॉप है ये वाला काम कर सकते हैं, और जो पहला वाला काम है ये मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, देखो ये मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, हाँ और ये जो काम है वो सिर्फ लैपटॉप वगैरह वाले कर सकते हैं, गूगल शीट सब होनी चाहिए। इसके बाद क्या, सुडप गुड इंटरनेट कनेक्शन, वर्क फ्रॉम होम, आप वर्क फ्रॉम होम कहीं से भी काम कर सकते हो, इसका ग्रेजुएट होने चाहिए, फ्रेशर होने चाहिए। अब क्या है, 1000 सेंटेंस पर आपको 2000 रुपए मिलेंगे, हाँ अब देखो मतलब 1 सेंटेंस का आपको 2 रुपए, मानो दिन में आपने 500 सेंटेंस भी लिख दिया तो 1000 रुपए कमा ले सेंटेंस, मतलब देखो ये 1 सेंटेंस हुआ, देखो ये पूरा 1 सेंटेंस, ऐसे करके आपको 500 सेंटेंस ट्रांसलेट करने है, तो भाई कितना आसान है 500 सेंटेंस ट्रांसलेट, 1000 सेंटेंस मानो ट्रांसलेट करने में 1 घंटा लगे, मैंने आपको समझाई दे कैसे ट्रांसलेट करना है। इसके बाद यही सब काम है, इसमें आपको कैसे करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई ना, आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद वापस से इधर आपको एक मिनट अपनी ईमेल को आपको डाल देना, ईमेल डालने का नेक्स्ट नेक्स्ट करने का आपको बेसिकली फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर कम्युनिकेशन एड्रेस जो पिछले साल में आपने भरा था वो सब डाल के इसमें थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन डालनी है आपको। हाँ इसका नेक्स्ट कर देना, मैं आपको अगर दिखा देता हूँ, एक मिनट इधर मैं कर देता हूँ अंकित, अगर हो जाता है तो मैं दिखा देता हूँ। भाई काफी ज्यादा गवर्नमेंट की वेबसाइट है और आपको क्या चाहिए यार, मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा मोबाइल नंबर नेटिव डिस्ट्रिक्ट आप लोग खुद ही भर लेना, बहुत आसान है, भरने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ये सब आप भर के नेक्स्ट कर देना, आपका काम हो जाएगा, आपको काम मिल जाएगा। हाँ काफी ज्यादा सही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर 1 महीना भी लग जाएगा गवर्नमेंट का काम पता नहीं
है कितना डिले होता है, पर रियल वेबसाइट है ये मान लो काफी ज्यादा अच्छी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो सोच लो गवर्नमेंट कैसी वेबसाइट देगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सबसे जरूरी बात आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आए ना किसी इस वेबसाइट में और भी किसी वेबसाइट में, आपने किसी और की वीडियोस भी देखी है अगर और आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपका बड़ा भाई छोटा भाई जो आप मानते हो बैठा हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम, आप किसी और की वीडियो भी देख लो ना, कोई और भी टूल यूज करो, कोई और ऐप यूज कर रहे हो तो उसके बारे में भी पूछ लो कि भाई ये काम करेगा नहीं करेगा, रियल है फेक है, क्या फिर रियल है तो कैसे पैसे कमाए, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।